एक नई सुबह एक नई जगह की खोज में आज मैं आप सबके सामने एक नई व्लॉग की पेशकश करते हुए स्वागत करती हूँ मेरे नेपाल सीरीज के पार्ट 4 में। मैं हूँ मधुरितो और मेरे चैनल का नाम है अर्बन बंजारन, क्योंकि मैं बंजारन वाली जिंदगी जीती हूँ आधुनिक सेटअप में। 210 किलोमीटर के सफर को मैंने तय किया था जनकपुर से होते हुए नागरकोट तक, अंत में भक्तपुर तक, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से मैं वहां तक नहीं जा पाई। मुझे लगी लगभग 12 घंटे, जो गूगल के हिसाब से 5.5 घंटे में आप पहुंच सकती हो। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ मैं क्यों अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। ये सफर बहुत खूबसूरत नजारों से भरा हुआ था और गाड़ी नेपाली और इंडियन पैसेंजर्स से। अब देखिए, कैलेंडुला, गुलाब और जबा फूलों की महक से भरा हुआ ये वातावरण बेहद मनमोहक था। एक छोटा सा झरना भी बह रहा था, बकरियां और शायद मुर्गी और धूप पूरे दृश्य को और भी खूबसूरत बना रहा था। इन पहाड़ों के वादियों में ठंडी ठंडी हवा होने के वजह से ये पूरा दृश्य में और चार चांद लग रहा था। फिर इन ताजे संतरों का मजा उठाते हुए गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी के अंदर नेवारी गानों के साथ साथ हम भी आगे चले। मिथिला, भीमेश्वर, कुरकोट जैसे और भी कई जगहों से होते हुए हमने अपने सफर तय किए हुए थे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे दुगने वक्त पे। एक बार हमारी गाड़ी रुकी थी चार्जिंग स्टेशन पे, दूसरी बार एक लड़के को नेचर्स कॉल आया था, फिर वो मानो गायब ही हो गया था। फिर पता नहीं कहां से बहुत ढूंढने के बाद वो किसी झाड़ियों के बीच में से आते हुए नजर आया आधे घंटे बाद। तीसरी बार लंच ब्रेक के लिए गाड़ी रुकी थी, आगे कई बार टी ब्रेक्स के लिए और फिर आखिरी बार रुकी थी गाड़ी खराब होने के लिए। सोचो अंधेरा होने वाला है और आप हिमालयस के बीचों बीच ठंड में कपते हुए अनजान लोगों के साथ बिना बत्ती के एक सुनसान सड़क में खड़े हो सारे सामान के साथ। आखिरकार गाड़ी ठीक करवाई गई ड्राइवर और पता नहीं कहां से मैकेनिक के द्वारा और फिर शाम से रात हो चुकी थी जब तक मैं पहुंची भक्तपुर और उस दिन मैं नागरकोट के लिए रवाना नहीं हो पाई। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा कुछ जिसके वजह से मैं नागरकोट के लिए रवाना नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन मैं भक्तपुर पहुंचने के बाद उतनी रात हो गई थी जिससे कि कोई गाड़ी या बस नहीं मिल रहा था मुझे, जिसके वजह से मैं नागरकोट नहीं जा पाई। और नागरकोट में काफ़ी ठंड होती है, कपकपाता हुआ ठंड, क्योंकि वो हिमालयस इनफैक्ट माउंट अन्नपूर्णा रेंज के बहुत करीब है और भी काफ़ी सारे बर्फीले वादियाँ वहाँ से दिखती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है रात को, तो ये भी एक वजह था। और मैं प्राइवेट कार लेने के लिए भी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। जी हाँ, नेपाली कैश की कमी के वजह से भी मैं नहीं जा पाई। अभी आप लोग शायद सोचोगे कि मैं एटीएम से ही विड्रॉ कर सकती थी, बट मैं वो भी नहीं कर पाई क्योंकि जनकपुर से आते हुए भक्तपुर तक हर एक एटीएम में मैंने कोशिश किया पर एक में से भी मेरे पैसे नहीं निकल रहे थे। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप भी शेयर की हुई है, क्या मैसेज बार बार मुझे दिखाया जा रहा था। सफ़र में यही होते 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 मैं पहुंच गई और सुबह से लेकर रात हो गई। और जैसे ही मैंने एक रूम ले लिया भक्तपुर में, मैं जाके फ्रेशन अप होके मैं दोबारा कोशिश की दूसरे एटीएम ढूंढने का और हर एक एटीएम में एक ही संदेश मुझे दिखाया जा रहा था कि मैं अपने कैश जो है विड्रॉ नहीं कर सकती। और जैसे ही मेरे कैश ऑलमोस्ट ख़त्म होने के तादाद पर थी, मेरी डर उतनी ही बढ़ रही थी। पर थकान के वजह से मैं उस रात सो गई और ठंड में रजाई के साथ सोने का मज़ा ही कुछ और है, तो मैं अगले दिन की उम्मीद में वहाँ पर सो के मैं सुबह उठी। दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी रोमांचक है और बाकी सीरीज की तरह यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलना, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अब बारी आती है मेरे सफ़र की। सफ़र में काफ़ी ठंड लग रही थी, भरी दोपहर में धूप होने के वजह बावजूद भी वुलेंस बार बार खोलने और पहनने में, स्नैक्स खाने पीने में और सोने में कैसे 12 घंटे पहाड़ों के पेट में से होते हुए गुजर गया पता ही नहीं चला। जैसे ही मुझे उल्टी आ रही थी मैं सो जाती थी ताकि ज्यादा डिस्कम्फर्ट मुझे महसूस ना हो। दवाई मैंने पहले से ही ले रखा था। Say hi. Okay. Hi. Bye. ताकि सफर में मुझे कम परेशानी हो। सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें से एक है दवाई साथ में कैरी करना, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। रात को खाना पीना खा के मैं सो तो गई पर नागरकोट के प्लान को कैंसिल होते हुए देख मैं मायूस बहुत हुई थी, क्योंकि मुझे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का बहुत शौक है, पैराग्लाइडिंग करना ही था जो कि नहीं हो पाया। अगले दिन बस अड्डे पे और पता करने के बाद ये जानकारी मिली कि इस वक्त ज़्यादा ठंड के वजह से पैराग्लाइडिंग नागरकोट में नहीं बल्कि पोखरा में ही हो रहा है और वहाँ से नागरकोट अगर मुझे जाना हो तो एक दिन पूरा खर्च करने के बराबर हो जाएगा, उतना वक्त मेरे पास था नहीं। फिर मैं वहाँ के लोगों से मशवरा करने के बाद भक्तपुर जाने का निर्णय लिया। वहाँ अंदर जाने के लिए काफ़ी महंगी टिकट लेना पड़ता है पर मेरे ख्याल से वो वर्थ इट था, क्योंकि जैसे ही मैं भक्तपुर के अंदर गई मेरा सारा दुख खत्म हो गया। I'm already hopping, but it's worth it. The view from there looks quite good, so I hope I'm gonna enjoy it.
चलो। क्या मानो मैं एक दूसरे दुनिया में आ गई। वहाँ बहुत सारे लोगों का बसेरा था, सब कुछ था अंदर, पर ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो बहुत काल पहले का है। तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम विवेक, उसको नाम विमल हो। मेरो नाम मधुरी, तु हो। थैंक यू। थैंक यू, बाई। ऑल राइट, टाइम टू लीव दिस प्लेस वेयर आई एम नेचुरली लुकिंग सन किस्ड एंड ग्लोवी एंड समवन विद ब्यूटीफुल स्किन, दैट्स गुड। वेल, आई एम एंजॉइंग दिस प्लेस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एरिया। इट्स वेरी विंडी हियर, ऑल्दो इट्स क्वाइट लाइक हाउ डू आई से, लिटिल चिली इनसाइड दिस प्लेस। व्हाइल आई वाज यू नो इन द मेन सिटी, इट वाज नॉट दैट कोल्ड अ टेंपरेचर, वेयर इज वेयर आई। इन दोनों बच्चों के साथ मैं खाना शेयर करने के बाद ये जगह मैं बहुत अपने हिसाब से एंजॉय करने लगी, और फिर धूप सेकने के बाद मैं सोची कि अब वक्त आ गया है नीचे जाने का, क्योंकि भक्तपुर के मैप को देखते हुए मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारे और दिशाएं हैं जहां पर मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। भक्तपुर से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको अगले व्लॉग में देने वाली हूँ। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।